सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कार ट्रेड, न्यूवोको विस्तास, केम प्लस, सनमार एंड आप्टस वैल्यू के आईपीओस का ग्रे मार्केट में आज यानी कि 14 अगस्त 2021 के दिन क्या प्रीमियम चल रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कार ट्रेड लिमिटेड के आईपीओ की। देखिए जो आईपीओ है 9 से 11 अगस्त के बीच ओपन था अप्लाई करने के लिए, वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो 1585 से 1618 रुपए के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया था, यानी 1618 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। वहीं लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में करीब 9 शेयर थे। वहीं रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो करीब 35% का रिजर्वेशन यहां पर मिलता हुआ नजर आया था। अब देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन ग्रे मार्केट का प्रीमियम करीब 220 रुपए के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 1618 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। 220 रुपए के प्रीमियम के साथ ये आईपीओ करीब 1838 रुपए पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन देता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि आप देख सकते हैं इसका प्रीमियम कल की अपेक्षा थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल यहां पर प्रीमियम 210 रुपए के आसपास चल रहा था और आज यहां पर प्रीमियम 220 रुपए के आसपास होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में इसका प्रीमियम 750 रुपए के आसपास हुआ करता था और मिनिमम ये प्रीमियम 125 रुपए के आसपास तक गया है, यानी कि इसने काफी लंबा सफर तय किया है। और देखिए धीरे धीरे मार्केट जो है थोड़ा सा सही हो रहा है, जिसके कारण प्रीमियम भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि इसकी लिस्टिंग और भी ज्यादा अच्छे प्रीमियम के साथ होती हुई नजर आ सकती है। तो चलिए यहां पर नेक्स्ट जो आईपीओ है वह है न्यूवोको विस्तास लिमिटेड का आईपीओ, और यह आईपीओ भी 9 से 11 अगस्त के बीच ओपन था अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो 560 से 570 रुपए के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया था, यानी 570 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। वहीं लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में करीब 26 शेयर होंगे। वहीं रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो करीब 35% का रिजर्वेशन यहां पर मिलता हुआ नजर आया था। अब देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन ग्रे मार्केट का प्रीमियम करीब 5 रुपए के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि इसका प्रीमियम कल की अपेक्षा भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। कल इसका प्रीमियम 7 रुपए के आसपास था और आज इसका प्रीमियम और भी ज्यादा गिरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ये सीमेंट कंपनी है और निर्मा ग्रुप जो कि काफ़ी विख्यात है और उसकी ये कंपनी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म है उसमें ये शेयर आपको ज़रूर कमाल करके दे सकता है, आपको बढ़िया रिटर्न कमा कर दे सकता है, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिहाज से इसमें कुछ खास मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। शुरू से ही आपको बताया गया था कि अगर आप रिस्की निवेशक हैं, थोड़ा सा रिस्क लेना जानते हैं या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं तो ही आप इस आईपीओ में अप्लाई करें, वरना इस आईपीओ को जाने दें। और भी अच्छे आईपीओज आ रहे हैं तो उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर ये अपनी उम्मीद के मुताबिक ही चल रहा है, यहां पर कोई भी प्रीमियम मिलने के आसार नहीं है और हो सकता है लिस्टिंग के दिन ये अपने इशू प्राइस से भी नीचे आपको मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो नेक्स्ट आईपीओ की बात करें तो नेक्स्ट आईपीओ है केम प्लस सनमार का आईपीओ, और ये आईपीओ भी 10 से 12 अगस्त के बीच ओपन था अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो 530 से 541 रुपए के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया था, यानी 541 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। वहीं लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में करीब 27 शेयर्स होंगे। वहीं रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो करीब 10% का रिजर्वेशन यहां पर मिलता हुआ नजर आया था। अब देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन ग्रे मार्केट का प्रीमियम करीब 10 रुपए के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि इसका प्रीमियम भी कल की अपेक्षा घटता हुआ नजर आ रहा है। कल इसका प्रीमियम करीब 20 रुपए के आसपास था और आज इसका प्रीमियम 10 रुपए के आसपास होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में इसका प्रीमियम कुछ ज्यादा नहीं था, करीब 40 रुपए के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आता था। और देखिए ये जो आईपीओ है 541 रुपए में आपको अलॉट होगा, यहां पर 10 रुपए के प्रीमियम के साथ करीब 551 रुपए पर लिस्टिंग के संकेत ये आईपीओ आपको आज के दिन देता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए यहां पर कुछ ज्यादा प्रीमियम नहीं है और देखिए मैंने आपको इसकी कहानी भी सुनाई थी कि यह कंपनी 2011 में लिस्टेड कंपनी थी और उसके बाद इन्होंने डीलिस्ट करवा के निवेशकों का बहुत सारा नुकसान किया था, उसके बाद ये वापस
से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम के साथ ये लिस्ट होता हुआ, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम के साथ अपना ये आईपीओ ला रहे हैं, यानी कि उस समय 15 रुपए का इनका शेयर था और आज ये करीब 541 रुपए के आसपास शेयर लेकर आ रहे हैं, यानी कि काफ़ी महंगा लग रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो। यहाँ पर लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा भरोसा इस कंपनी पर नहीं किया है, जो NIIs और QIBs थे उन्होंने भी इस कंपनी में ज़्यादा आगे बढ़कर अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि ये कंपनी मुझे लगता है कि वो इस कंपनी को विश्वसनीय नहीं मानते हैं, शायद इसी कारण इतना कम सब्सक्रिप्शन भी इसमें होता हुआ नज़र आया है। तो ये कंपनी का आईपीओ भी आपको लिस्टिंग के दिन थोड़ा सा नीचे मिलता हुआ नज़र आ सकता है, कोई नई बात नहीं होगी। नेक्स्ट आईपीओ की बात करें तो नेक्स्ट आईपीओ है Aptus Value का आईपीओ, और ये आईपीओ भी 10 से 12 अगस्त के बीच ओपन था अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो 346 से 353 रुपए के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया था, यानी 353 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। वहीं लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में करीब 42 शेयर्स होंगे। वहीं रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो करीब 35% का रिजर्वेशन यहां पर भी मिलता हुआ नजर आएगा। अब देखिए इस आईपीओ का प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन इसका प्रीमियम करीब 35 रुपए के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 353 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। 35 रुपए के प्रीमियम के साथ ये आईपीओ करीब 388 रुपए पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन देता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि इसका प्रीमियम कल की तरह स्टेबल ही बना हुआ है और इसका प्रीमियम शुरुआती दिनों में भी करीब इतना ही चलता हुआ नज़र आ रहा था। देखिए इसमें हालांकि बीच में थोड़ी सी गिरावट हुई थी, लेकिन ये वापस से अपने पुरानी पोजीशन पर पहुंच गया है, और शुरू से ही आपको पता था कि इस आईपीओ में ज़्यादा प्रीमियम नहीं मिलने वाला है, हो सकता है 10-20% का प्रीमियम आपको मिल जाए। तो उतने में ही अगर आप खुश थे तो निश्चित रूप से मैंने आपको बोला था कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए, वरना आप इस आईपीओ को जाने दें और लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें तो आप इस आईपीओ में बने रह सकते हैं। अच्छा आईपीओ है और यहाँ पर लॉन्ग टर्म में ये आपको बढ़िया रिटर्न कमाने की क्षमता रखता है, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सभी आईपीओ के प्रीमियम हमने देखे और सभी के यहाँ पर जो है अब एप्लीकेशन भी खत्म हो गए, अब अलॉटमेंट आना बाकी है, तो देखते हैं किस किस को इसमें अलॉटमेंट मिलता है। और देखिए यहाँ पर प्रीमियम कुछ ज़्यादा खास नहीं चल रहे हैं इन इस बार के आईपीओज के, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है और उनका मानना है कि भाई हो सकता है कि हमें प्रीमियम मिल जाए, तो देखते हैं कितने पर लिस्टिंग होती है। और यहाँ पर भी जो मैंने बताया वो अपनी समझ से बताया है, जो मैं सोचता हूँ उसके बारे में आपसे डिस्कस किया है, आप जो भी करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर ही करें। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।